शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे वाह, कितनी अच्छी सजावट की है आप लोग सबने। मुझे नहीं पता था कि घर के नई मालकिन के लिए यानी कि मेरे लिए आप लोग ऐसा करेंगे। ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है तुमने रागिनी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को इस घर की मालकिन कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और हम मान जाएंगे? चलो निकलो यहाँ से। इसे तो बेशर्मी की हद पार करने के लिए ना स्वर्ण पदक मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें मिलेगा धक्का। वो भी इस घर से बाहर। रागिनी, आवाज नीची करके बात करो श्रद्धा। अब ये घर मेरा है, कोई मच्छी बाजार नहीं है। तो ये चीखना चिल्लाना ना अब यहाँ नहीं चलेगा, समझ गए? ये हमारा घर और इस घर की मालकिन ताई जी हैं, तुम नहीं। सामान उठाओ और निकल जाओ यहां से। अगर आइंदा मेरे सामान को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे घर के आंगन में अपना ये तमाशा बंद करो वरना तुम हमें धमकी दोगी। श्रद्धा, अभी के अभी पुलिस को फोन करो और इस खूनी औरत को अंदर करवाओ। हमारे घर में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में। कहीं फोन नहीं उठा रहे। वैसे रागिनी, तुम अपनी कोई भी चाल सीधी तरह से तो चलती हो नहीं, तो फिर ये जो घुमा फिरा के सबका समय बर्बाद कर रही हो, इससे अच्छा है कि तुम ये बात साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी नई चाल चल रही हो जिससे तुम हमारा सब कुछ छीनना चाहती हो? आखिर साबित क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? श्रद्धा, मुझे तुम्हें ना कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर मैं कुछ समझाऊंगी भी तो तुम मानोगे नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें प्रूफ चाहिए ना। एक सेकेंड। पूरे ध्यान से पढ़ लो और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन तमीज से। ये कागजात झूठे हैं। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है श्रद्धा। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन ने मिलकर आप लोग सबका ये घर मेरे नाम कर दिया है। भाई ऐसा नहीं कर सकता है। नैना भाभी की जान बसती है इस घर में, दिलीप भैया की सारी यादें हैं यहाँ। नहीं, वो ये घर नहीं छोड़ सकती। अरे बेचारा तो बहुत दूर की बात है, वरुण ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता कि वो घर तुम्हें बेचे। नहीं करेगा, वो बेवकूफी तो कर चुका है। इन कागजात पर साइन करके उसने अपनी किस्मत मेरे नाम कर दी।
और श्रद्धा, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं जेल गई, मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ मेरा। अब उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम जेल अपने कर्मों की वजह से गई हो, अपने पति का खून किया था तुमने। कानून क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। नहीं पापा, इसके कर्म क्या गिन रहे हो? जब भाई को अपने कर्मों पर ही शर्म नहीं है। वो ऐसे चुपचाप ये घर छोड़कर नहीं जा सकता है, उसे जवाब देना होगा। अभय, हमें भी नैना भाभी से जवाब चाहिए इस धोखे का। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दुश्मनी निभाओ तो पूरी शिद्दत से, एक ही छत के नीचे। वाह वरुण जी, आपने तो घर को इतने सुंदर से सजा दिया है, बिल्कुल रहने लायक बना दिया आपने घर को। हमें तो मौका ही नहीं मिला, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। यारो, ये देख, स्मार्ट टीवी, एसी भी लगा दिया आपने। हम तो अंदर देखकर आए, बड़ा फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी है, और देखिए फर्नीचर कितना सुंदर लग रहा है, सब कुछ नया नया एकदम बेस्ट। यहाँ पर सब कुछ कितना स्मार्ट है, ये तो स्मार्ट वाला घर है पापा। और बगल में कितना बड़ा गार्डन है। कीर्ति, हम प्लीज वहाँ पे खेलने जाएं। हाँ जाइए, पर आराम से और जल्दी आ जाइएगा। बाय कीर्ति, बाय पापा, बाय दादी। बेटा, हम हमारा सारा पुराना सामान ही यहाँ ले आते ना, ये इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? क्या मम्मी, आपके बेटे की सैलरी इतनी ज्यादा है और बॉस को तो मेरा काम इतना पसंद है कि वो मुझे बोनस भी देने वाले। पर अभी तो नौकरी शुरू हुई है और पहली तनख्वाह आनी भी बाकी, उसके पहले इतने सारे खर्चे। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, वरुण जी ने सब सोच समझ के किया होगा। मम्मी, मैंने सारी चीजें लोन पे ली, एक बार सैलरी और बोनस आ जाएगा तो चुका दूंगा। हाँ बेटा, पर नई शुरुआत है, अभी इतना ज्यादा लोन लेना भी ठीक नहीं है ना। मम्मी, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है तुम्हें हमें जवाब देने की। पर कैसे छोड़ सकता है तू? अरे इतना भी नहीं बताया कि जा कहां रहा है? तेरे ऑफिस से तेरा एड्रेस निकलवाया है, तूने तो पूरी कोशिश की थी हमसे दूर जाने की। क्यों किया तूने ऐसा, क्यों? अबे ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो अरुण जी को। जब तक जवाब नहीं देगा नहीं छोड़ूंगा, बता क्यों भेजा घर? अबे सुबह संभाल कर बात। तू ये हक खो चुका है। अभय, भाभी, आप अभय पर क्यों चिल्ला रही है? एक तो धोखा आप लोगों ने दिया, आप लोग घर बेचकर यहाँ चले आए, और अब बेशर्मी तो देखो, आप हम पर ही चिल्ला रही है। आप लोगों ने मजबूर किया है हमें उस घर को बेचने पर। जब से दिलीप जी गए, हमें अपने ही घर में छोटा महसूस करवाया जा रहा था। ये रोज रोज के झगड़े, घुटन होने लगी थी हमें वहां पे। किस घर में झगड़े नहीं होते हैं ताई जी? और क्या हमारे परिवार में पहले झगड़े नहीं होते थे? ताई जी,
बुरे से बुरे वक्त में आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो आज आपने अचानक अपना ही घर क्यों छोड़ दिया? बहुत गलत किया भाई, और घर बेचा भी तो किसे? दिखा दिया है ना कि कितना स्वार्थी है तू, किस हद तक गिर सकता है। तूने हमारी पीठ पे खंजर मारा है। अरे मैं जिसे चाहूं उसे घर बेचूं, वो मेरे हिस्से का घर है अबे। और तुझे कोई हक नहीं होता है मुझ पे ऐसे भड़कने का। अरे आपके शांति से जीने के लिए भी तुम लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे। अरे अपनी शांति के लिए हमारी शांति जी लेगा तू, उस रागिनी को घर बेचेगा। रागिनी क्या? ये तू क्या बोला? एक मिनट, आप बोलो, शांत हो जाइए, इस बारे में आराम से बात करो। पहले अपने पति को बोलो शांत होने के लिए। नहीं, किसका गुस्सा किस पे उतारे जा रहा है? कीर्ति तो दो मिनट शांत हो जाएगी। वरुण जी, ये जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और अरे सीधा सीधा बोलना, जानबूझकर तूने रागिनी को घर बेचा है। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहा है? वरुण, हमने खुद पेपर्स देखे जिसमें तुम्हारे साइन थे, झूठ मत बोलो। बुआ जी, हम इस बारे में शांति से बात करते। वरुण जी, क्या आप जानते हैं कि आपने घर रागिनी के नाम बेच दिया है? श्रद्धा, तुम मुझे कितना जानती हो? तुम्हें लगता है कि मैं इतना गिर सकता हूँ कि अपना घर रागिनी को बेच दूंगा? अरे वो घर मैंने किसी रमन मेहता को बेचा है। उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी है मेरे पास। एक सेकंड रुक। ये देख, खुद देख ले। छोड़ ना, इसकी दूसरी कॉपी रागिनी ने हमारे मुंह पर मारी थी। अब ज्यादा नाटक मत कर। नैना भाभी, हमारा घर दिलीप भैया का सपना था, उनकी आखिरी निशानी। कितनी मेहनत से उन्होंने हमारा वो घर बनाया, और आप लोगों ने बिना सोचे समझे वो घर बेच दिया। वो भी किसको? उस रागिनी को। अभय, वरुण जी गलत नहीं कह रहे, ये घर उन्होंने किसी रमन मेहता को ही बेचा है। उस रागिनी ने हमें धोखा दिया है। ये रमन मेहता तो उसके लिए सिर्फ एक जरिया था हमारे घर को खरीदने में। जितनी पुरानी चीजें दिख रही है ना, सबको बाहर निकाल। मुझे अब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद की चीजें चाहिए। श्योर मैम। घर के किसी भी चीज को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना रागिनी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा घर है। धोखे से छीना हुआ घर कभी तुम्हारा घर नहीं हो सकता रागिनी। ताऊ जी के जाने का
और हमारे घर में हो रहे झगड़े का फायदा उठाकर धोखे से तुमने हमारे घर को हड़पा है। बार बार वही बात चिल्लाने से ना श्रद्धा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कानूनी कागजात है ना वो बदलने नहीं वाले। तो मुझे धमकी देने के बजाय तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम एक बात समझ लो कि अब से मैं इसी घर में रहूंगी और तुम्हारे परिवार में इतनी दरारें भरूंगी कि इसकी नींव तक नहीं बचेगी। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा रागिनी। नहीं श्रद्धा, ये सब ना तुम्हारी ही वजह से होगा। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस में नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से मैं जेल गई और उस जेल में मैंने एक एक दिन जो सड़ सड़ के गुजारा है ना, उस एक एक दिन का हिसाब मैं तुमसे लूंगी श्रद्धा त्रिपाठी। बहुत गुरूर है ना तुम दोनों को अपने इस परिवार पे, इस गुरूर को मैं तोड़ूंगी। इतना नीचे गिराऊंगी तुम्हारे परिवार को कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। मौत की भीख मांगने तक की औकात नहीं रहेगी। अपने बदले की भावना में तुम कितनी अंधी होगी हो रागिनी? तो तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे साथ कुछ भी करोगी और हम चुपचाप सहते रहेंगे? हाँ, सहना तो पड़ेगा क्योंकि त्रिपाठी परिवार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब देखना तुम दोनों मैं क्या क्या करती हूँ। क्या कर सकती है वो रागिनी, हम सब जानते हैं। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब वो लोग वहां कैसे संभालेंगे? कैसे संभालेंगे हम इसे? अब है पता नहीं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम तो सारे गिले शिकवे भूलकर सबका स्वागत करने वाले थे, लेकिन हमें क्या पता था कि नैना भाभी के मन में सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना है। मम्मी, उन्होंने सिर्फ अपना घर बेचा, उन्हें थोड़ी ना पता था इसमें रागिनी की चाल है। वो बेचारे खुद परेशान हो गए हैं। भाई साहब, और मैंने एक साथ एक घर खरीदा था, सोचा था कि साथ साथ रहेंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे, लेकिन वरुण ने घर बेच दिया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं भाई साहब, वरुण ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। गलती तो हुई है हमसे वरुण, हमने घर बेचने में इतनी ज्यादा जल्दबाजी कर दी। उस आदमी के बारे में छानबीन तो करनी चाहिए थी ना हमें। माँ, घर बेचने के लिए मजबूर भी तो अभय और दीदू ने ही किया ना। अगर हमारे हिस्से का जायदाद हमें वापस कर देते तो ये नौबत आती ही नहीं। बात यहां तक पहुंच जाएगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जायदाद का हिस्सा रखने का तो मेरा सिर्फ यही इरादा था कि हम सब हमेशा साथ रहें, कभी एक दूसरे से अलग ना हो। मम्मा, क्या हो गया? मम्मा, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मम्मा, वो पार्टी वाली आंटी, उनके पास गन है ना, वो हमें भी मारने आई है ना। डर, पापा के रहते आप दोनों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकते। बच्चों, आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब है ना आपके साथ। सानवी, सिया, चलो हम कुछ अच्छा खा के आते हैं, आ जाओ। सिया और सानवी का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि मम्मी जी, रागिनी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्टी वाले दिन से ही बच्चे उससे बहुत डरे हुए हैं, रागिनी का बुरा असर उन पे पड़ सकता है। श्रद्धा बिल्कुल ठीक कह रही है, कुछ दिनों के लिए तुम बच्चों को सक्षम जी के यहाँ छोड़ो, ये ठीक रहेगा। कुछ दिनों की तो बात है, और तुम्हारा घर कौन सा दूर है?
जब मन करेगा बच्चों से मिल लेंगे। बात वो नहीं है अभय, पता नहीं रागिनी क्या करने वाली है। हमें उसके हर वार का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। अब ये तो कल सुबह ही पता चलेगा कि रागिनी का इस घर में पड़ा पहला कदम पता नहीं हमारे लिए कौन सी मुसीबत खड़ी करने वाला है। अरे ऐसे कैसे टंकी खाली हो सकती है पानी की कि पीने तक का पानी नहीं बचा। अचानक पानी क्यों बंद हो गई है? ये सब उस रागिनी का ही किया कराया है। तुमने हमारे घर का पानी क्यों बंद किया रागिनी? मैंने कहा पानी बंद किया? झूठ मत बोलो। तो फिर जाओ ना, प्रॉब्लम का हल निकालो। यहाँ खड़ी होके मुझ पे चिल्ला के क्या फायदा? हमारा पूरा परिवार पानी के लिए तड़प रहा है और ये तो बस शुरुआत है। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।